भोर भए मन खट के मोहे नट खट शाम सताए मोरी चुनरिया लिपटी जाए मैं का करूं हाय हाय क्या करूं हाय राम हाय हाय भोर भए मन खट के वंडरफुल कितने औखे गाने आप पकड़ रहे हैं कसम खुदा की पहली बात तो ये कि इतने औखे गाने को गाता ही नहीं है वाह वाह अब सर सख्त सर्दी का मौसम होता है अल्लाह खैर करे एक एथी रुक जा ओए एथी रुक ए गल अच्छी नहीं है अगर सर्दी आ भी गई तो मैं अपनी वफा से हरारत पैदा कर लूंगी लग रहा है आप शोला हैं सर अच्छा खासा वोल्केनो है सर ये शोला सर सख्त सर्दी हो आज जहानी राज कपूर साहब डायरेक्टर हूं और आपको ले जाएं वो सत्ती सवेरे अलल सुबह पनघट पे और आपको वो रिक्वेस्ट करें कि ये गाना कोरियोग्राफ करें और वो गाना है सर भोर भए पनघट पे मोहे नट खट शाम सताए मोरी चुनरिया लिपटी वंडरफुल इतने औखे गाने आप पकड़ रहे हैं कसम खुदा की पहली बात तो ये कि इतने औखे गाने को गाता ही नहीं है सबसे मुश्किल वाली चीजें पकड़ रहे हैं आप पप्पू जी आन छानी शोमैन तो सीने तमान को ले गए थे ना प्लीज आप मुझे पनघट पे ले जाइएगा ना पनघट पे मेरा हुस्न दो आच्छा हो जाता है ओ मेरी स्वीट भांजी छठ पहले मामू प्लीज बड़ी मुश्किल से तू मिली है ना अब मेरी जान मेरी स्वीट भांजी तेनू पंगट से नहीं ले जाना तेनू लेके जावांगे सी तत्ता पानी सेक्टर उथे बिला इश्तियाल फायरिंग दी जद च आके तू अमर हो जाएगी बचाई ना पप्पू जान आपके लिए पनघट की जरूरत नहीं है अच्छा बड़ा नाला है एक जैसे प्यासा कुएं के पास जाता है ना ऐसे ही नारी पनघट पे ही जाती है भाजी क्यों पनघट खुश्क करना ही क्यों साली का शिकार करना पूरे कस्बे नु तू और जीनत जी दे पोरा दिया पानी लगा सी दो गैल और तेरे ते डैम लगने ने पूरे इनक डैम लग जाने डैम फुल ना कर सर ये जो गीत है और भाई ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का लता जी का मास्टरपीस है लेकिन क्या एज कोरियोग्राफर आपको लगता है कि जीनत अमान साहिबा ने इंसाफ किया इसके साथ देखिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जितना अच्छा वो पिक्चराइज किया हुआ है गाना उसके बारे में कोई कमेंट देना बकवास बात है इतना एक्यूरेसी उस चीज में है इतनी 100% सेटिस्फेक्शन होती है उस गाने को देख के कि इस गाने को ऐसा ही होना चाहिए वाँ। वाँ। क्या बात तो वो बड़े लोग हैं उनको सलाम है क्या बात क्या बात पप्पू जी थानू पता है संजय लीला बंसाली मेरी भांजी नु भी कास्ट करना चाहता एक मिनट वो संजय लीला बंसाली नहीं गा संजय लीला टकसाली है वो नहीं 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 वो वाला इसी बंसाली लेकिन उन्हें अनु नाश्ता कर दे देख लिया फिर तौबा चौबा कर गया वो तो घर वाले भी कहते होंगे कि बेटे नाश्ता ना करे तो रोल जाएगा पप्पू जी यस डार्लिंग नाश्ता नहीं करूंगी तो बड़ी कैसी होंगी जरूरत है अभी तो मैं आज के हिसाब से केजी लोअर में हूँ ये आपकी बात सुनकर मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है मोहसिन जेड़े तू देखा है ना चरगे अक्सर सीखां च लगे होंदे ने मेरी भांजी नू वेख के ओ भी टुर पैंदे ने फरखा मामू लंका जाए मेरी भांजी नू ते तंदूर वाले वेख के बैनर ला देंदे ने यहां मेडिकल स्टोर है सर देखा गया कि जो अदाकारा डांस में वीक होती हैं वो एक्टिंग में बड़ी बाकमाल होती हैं अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो जेबा जी और शबनम बेगम वो गुजरी हैं और अगर सरहद पार देखें तो हमारे पास मीना कुमारी जी का नाम आता है शबाना आजमी जी का नाम आता है सर उनके पास ऐसी क्या टेक्निक होती है सर कुछ लोगों के पास अदाकारी के नंबर 100 होते हैं ऑफकोर्स और कुछ लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं
जैसे रानी बेगम, बिल्कुल, आलिया बेगम, बाबरा बेगम, अंजमन बेगम, ये जितने लोग जो थे ये उतना ही डांस भी जानते थे और उतना ही एक्टिंग में भी अबूर हासिल था इनको। तो जैसे शबनम बेगम का आपने नाम लिया, वो हमारे पाकिस्तान की बहुत बड़ी स्टार हैं और उनका स्कोर जितना है शायद किसी और का हो। और जितने डायरेक्टर्स के साथ शबनम बेगम ने और ज़ेबा जी ने काम किया वो उनके मिजाज के डायरेक्टर थे और उन वो फिल्में ही घरेलू बनाया करते थे जिसमें कोई इतनी डांसिंग फिल्म नहीं होती थी। शबनम बेगम ने थोड़ा बहुत किया बट ज़ेबा जी ने बिल्कुल भी नहीं किया। अगर किया भी है तो वो कोई रोमांटिक गाने होंगे तो उनमें वो बहुत बेहतरीन थे वो। लेकिन सर जिन अदाकाराओं के हमने सरहद पार स्पेशली नाम लिए हैं उन्होंने रक्कासाओं के किरदार बखूबी किए, वो उसके पीछे क्या वो कैसे वो चोर सुच किए? वो बस प्रैक्टिस करनी पड़ती है किसी भी काम के लिए। उन्होंने अगर कोई रोल एक्सेप्ट किया कि मैं ये रोल कर सकती हूँ तो फिर उस रोल के लिए उन्होंने उतनी मेहनत की होगी तो फिर उसको परफॉर्म किया होगा, अदरवाइज उनको कभी डांसर कहा नहीं गया। नहीं गया, बिल्कुल ठीक। पप्पू डार्लिंग, यस, जितनी बेगमों का आपने नाम लिया है प्लीज एक बार मुझे भी बेगम कह के पुकारिए ना। बाजी ऐसी बातें ना करें। पप्पू सर, हेलेन, मलाइका अरोड़ा, नोरा फातेही, ये सब अमेजिंग डांसर्स हैं, नो डाउट, लेकिन एक्टिंग इनकी इतनी सॉलिड नहीं है, मगर इनके जो करियर्स हैं वो अच्छी अच्छी एक्ट्रेसेस से ज्यादा लंबे होते हैं, ये क्या माज रहा है? जिन लोगों के आपने नाम लिए बेहतरीन परफॉर्मर हैं और उनको उस बात के ही इतने नंबर हैं उनके कि दूसरा कोई उनके साथ का नहीं है, तो इट मींस के उनको जरूरत ही नहीं है किसी चीज की।